उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए अब एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक अब कोरोना के मरीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि मोबाइल से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है। इस आदेश के बाद अब वार्ड इंचार्ज के पास मोबाइल फोन मौजूद रहेंगे, जिसके जरिए मरीज अपने परिवार वालों से बातचीत कर पाएंगे। अब इस नए आदेश पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। मोबाइल ही अकेले में मानसिक सहारा बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों की दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एक नया आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और उस पर राजनीति, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है योगी सरकार को कि जो दुर्दशा अब तक अस्पतालों की फोन के जरिए वीडियो के जरिए आ जाती थी उसे छिपाने की कोशिश। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग कोई भी आदेश जारी करता है तो उसमें एक लॉजिक होगा, एक साइंटिफिक रीजन होगा। आखिरकार ऐसी कौन सी रिसर्च है जो ये कह रही है कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है? बिल्कुल बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने ये आदेश जारी किया है कि जो मोबाइल जो है आईसीयू जहां पर इंसुलेशन वार्ड होते हैं वहां पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मोबाइल से संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिसको लेकर कर मोबाइल पूरी तरीके से बैन लगा दीजिए कि जो संक्रमण न बढ़ सके इसके लिए जो इंसुलेशन वार्ड है वहां पर नहीं जा सकेंगे। ये बात तर्क दिया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो विपक्ष जो है इस पर निशाना साध रहा है कि जो राज्य सरकार है वो अपने खामियों को छिपाने के लिए ऐसे आदेश को जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पिछले जब से लॉकडाउन हुआ, जब से कोरोना संक्रमण अपने देश में आया, आपको रोकना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग तो यूपी का कह रहा है कि देखिए संक्रमण फैलता है मोबाइल से और इसीलिए हमने ये बैन लगाया है कोविड-19 के वार्ड्स में, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, विश्व में कहीं भी किसी तरह से भी कभी रिसर्च में किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि मोबाइल के थ्रू संक्रमण फैलता है। मोबाइल के थ्रू तभी फैलेगा जब हम मोबाइल एक दूसरे को देंगे, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार अंदर में जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में सांप घूमते हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, दवा नहीं है, बाथरूम नहीं साफ है, तो जो लोग मोबाइल लेके जाते हैं वहां से वीडियो बना के भेजते हैं तो उनको लगता है कि हमारी नाकामी बाहर पता चल रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोबाइल पे बात डालना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती। आप कोई व्यक्ति जो 15-15 दिन तक अकेला रह रहा है उसके पास एक एंटरटेनमेंट का साधन है मोबाइल से, ऐसे तो आप पूरे देश में मोबाइल बंद कर दो भाई, सीएम ऑफिस में मोबाइल बंद कर दो, सारे आपके सवाल का जवाब हमसे ले लेते हैं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज मिश्रा जी, आपने सुन लिया होगा अनुराग भदौरिया को, वो कह रहे हैं कि भैया अगर इतना खतरा है मोबाइल से संक्रमण फैलने का तो पूरे देश में बैन क्यों नहीं लगा देते आप, सिर्फ कोविड-19 वार्ड में ही क्यों? देखिए भदौरिया जी ठीक कह रहे हैं, उनकी समझ को प्रणाम, लेकिन मुख्य बात यह है, ये देखना चाहिए कि संक्रमण कहाँ से फैलने की संभावना ज्यादा है, बाहर से कोविड वार्ड में या कोविड वार्ड से बाहर, ये एक तो पहली चीज है। दूसरी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस किस चीज से संक्रमण फैलता है और ये वायरस किस चीज पर कितना टिकता है। अलग अलग मत हैं, भाजपा सरकार जितने सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और जो प्रदेश की सरकार है उसके नेतृत्व में उस सारे मेजर्स ले रही है। ये लोग मेजर्स से इसलिए प्रश्न उठाते हैं, इनकी राजनीतिक दाल नहीं कर रही, ये सिवाय ट्विटर पर बात करने के, टीवी पर बात करने के और कोई काम सामाजिक उत्थान का या इस आपदा जी यहाँ पर देखिए सपा कह रही है कि कोई रिसर्च ऐसी है ही नहीं। आप बता दीजिए आपने रिसर्च कहाँ से लिए, कौन से इंस्टीट्यूट से लिए, बोलती बंद। देखिए, अरे 2 महीने पुरानी तो ये आपदा है, इसमें पहले कहाँ से रिसर्च, अभी अमेरिका तक तय नहीं कर पाया, ब्रिटेन नहीं तय कर पाया, ये आपदा 2-3 महीने पुरानी है, कोई पहले से तैयार था?
बताइए, जो अमेरिका एक मौत पर तिलमिला होता था एक नागरिक की, वहां 90,000 लोग मर गए, वो क्या कर लिया? तो जिस आपदा के बारे में 2-3 महीने पहले किसी को नहीं पता था, आप तो मोदी जी की सरकार की तारीफ करिए, आप योगी जी की सरकार की तारीफ करिए कि इतनी जल्दी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली। अनुराग पटोरे जी, जवाब दीजिए, राजनीति आप सिर्फ कर रहे हैं, दाल आपकी गल नहीं रही है, सेफ्टी मेजर्स है ये? बिल्कुल कह रहे हैं, इतनी जल्दी उन्होंने पूरे देश के अंदर में अवस्था फैला दी, इतनी जल्दी उन्होंने सारे मजदूरों को रोड पे ला दिया, बेचारे भूखे प्यासे पैदल चलते रहे। मोदी जी योगी जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, बेचारे मर गए रोड पे चलते चलते, पांव में छाले पड़ गए, महिलाओं ने बेचारों बच्चों को भी रोड पे जन्म देना पड़ा। इतना बढ़िया काम आप लोगों ने किया कि मत पूछिए, काम का इतना बढ़िया है कि आप आज देश की हालत ये है कि 50% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपने इतना बढ़िया काम किया है कि आदमी अपने घर पहुंचने के पहले मौत के मुंह में सो गया, ये आपने काम किया है। चलिए चलिए, मेरे पास वक्त इतना है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।